أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछले टॉपिक्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल पढ़ा था, स्प्रिंग बेस सिस्टम, उसको एक्सप्लेन किया था. आज उसका दूसरा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, और ये दोनों जो टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से बड़े इम्पोर्टेंट हैं. आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल पेंडुलम एक धागे पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. एक सपोर्ट के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ एक बॉब लगा लेते हैं, मैस एम का कोई भी, जो है ना, हम इसके साथ बॉडी कनेक्ट कर लेते हैं. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये ऐसी एक धागा टाइप होती है जिस पे हम जितना भी यहाँ पे इसको पुल करें, जितना भी इस पे यहाँ पे हम वेट डालें, तो इसके लेंथ में इंक्रीज नहीं आता. तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा स्ट्रिंग होता है जो जिस पे हम जितना भी यहाँ पे हम मैस डालें, ये इसको क्या करता है, इसकी लेंथ में इंक्रीज नहीं आते. तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को एक साइड पे हम किसी सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे साइड पे हम ऑफ मैस एम बॉब हम जो है ना कनेक्ट इसके साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं. अब इसको करना ये होता है कि यहाँ पे मेन पोजीशन ओ पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है. इसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस पे लगा लेते हैं और इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पर ए तक, ठीक है. अब इसको जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ पे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है. जब इसको हम छोड़ देते हैं तो ये मूव करना शुरू कर जाता है टूवर्ड्स द मेन पोजिशन, मेन पोजिशन की तरफ आता है. अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, और कहाँ पे चला जाएगा, बी तक चला जाएगा. यहाँ पे रुकेगा इसलिए नहीं, स्प्रिंग मैस सिस्टम में भी मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है. तो ये बी तक आ जाता है, बी से फिर ओ से फिर इनर्शिया की वजह से फिर ए तक आ जाता है, ठीक है. तो ये अपना मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अच्छा, इसकी मोशन की तरफ जब हम आ जाते हैं, जब हम इसको यहाँ पर ए पे छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. और वेट जो होता है उसकी वेक्टर क्वांटिटी की वजह से यहाँ पर ये एंगल थीटा बनाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी दो कंपोनेंट्स बनते हैं. एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, ठीक है, और एक बनता है वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, ठीक है. अब ये दो फोर्सेस यहाँ पे बन जाते हैं, एक फोर्स के वेट की एक फोर्स है और इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं. इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये टेंशन और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. यानी डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है. और जो रह जाता है इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वेट का वाई कंपोनेंट, यानी वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. और ये एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन. डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन, ठीक है. क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंशन तो आपस में क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, ठीक है. तो इसके बाद हम आते हैं इसके टाइम पीरियड की तरफ. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ ओवर जी अंडर द रूट. इसमें ये बात जाहिर होती है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है. यानी टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर द रूट एल, यानी लेंथ हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही टाइम पीरियड इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है. अगर छोटा है, इसकी लेंथ कम है, तो ये जल्दी अपनी जो है ना क्या करता है, अपनी ऑसिलेशन को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है. टाइम पीरियड और लेंथ आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. अगर ये इसकी लेंथ कम होगी तो ये अपनी जो है ना रिपीटिशन, जो मूवमेंट की रिपीटिशन है, वो जल्दी कंप्लीट कर लेता है, तो कम टाइम लगता है. अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. यानी टी डिपेंड, यानी टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल पेंडुलम का.
अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन कर देंगे। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।